वडोदरा शहर के लिए चिंताजनक विषय बन रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 75 नए पॉजिटिव केस बाहर आए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंकड़ा वडोदरा शहर के लिए 3000 को पार होते हुए 3069 पर पहुंच चुका है। वडोदरा शहर में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब वडोदरा शहर के लिए कोरोना वायरस का संक्रमण एक चिंताजनक विषय बन चुका है, जहां अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे वैसे पॉजिटिव केस में बढ़ावा होने के साथ आज भी 75 नए पॉजिटिव केस बाहर आए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंकड़ा वडोदरा शहर के लिए 3000 को पार होते हुए 3069 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरोग्य विभाग द्वारा अपनी विविध टीम के साथ विविध विस्तारों में 519 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 75 पॉजिटिव होते हुए ये आंक भी कहीं न कहीं कई चर्चा और संदिग्ध अवस्था को साबित कर रहा है। तो वही मृत्यु आंक लगातार 57 पर ही स्थिर होते हुए कहीं न कहीं कॉर्पोरेशन की आंख छुपाने की भी खेल बाहर आ रहे हैं। वहीं वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विविध अस्पतालों में से 102 जितने लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया, जहां कुल मिलाकर 2233 जितने लोगों को कोरोना मुक्त करते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज नए बने पॉजिटिव विस्तारों में से वडोदरा के राजमहल रोड, फतेहपुरा, हाथीखाना, तरसाली, रावपुरा, वीआईपी रोड, मांडवी, वाड़ी, मांजलपुर, तांदलजा, अकोटा, विश्वामित्री, हरणी वारसिया रिंग रोड, ओपी रोड, अटलादरा, गाजरावाड़ी, गोरवा, पानीगेट, दिवालीपुरा, अधिकतम वडोदरा के विस्तार कोरोना पॉजिटिव होने के हर रोज समाचार में प्रसिद्ध हो रहा है। तो जबकि वडोदरा के ग्रामीण डबोई, बीलापुर, पादरा, करजन, लोड़का से भी पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज हुए हैं।